क्या बीजेपी को राज ठाकरे पसंद है? क्या महाराष्ट्र में किसी ठाकरे को लाए बिना बीजेपी का जीत का सपना पूरा नहीं हो सकता? आखिर क्यों सिर्फ 2% वोट वाले राज ठाकरे को बीजेपी तवज्जो देना चाहती है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। ये ऐसे सवाल हैं जो राज ठाकरे की अमित शाह के साथ आई तस्वीर के बाद खड़े हो रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने महाराष्ट्र की सबसे ताकतवर पॉलिटिकल पार्टी शिवसेना को तोड़ तो दिया, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी को लग रहा है कि बिना किसी ठाकरे को साथ लिए महाराष्ट्र में उसकी जीत का सपना पूरा नहीं होगा। यही वजह है कि शिवसेना और एनसीपी तोड़कर एकनाथ शिंदे और अजीत पवार जैसे हैवीवेट नेताओं को अपने साथ लेने के बावजूद बीजेपी राज ठाकरे को अपने साथ ले रही है। वैसे तो महाराष्ट्र के बीजेपी नेता गठबंधन के लिए लंबे समय से मुंबई में राज ठाकरे पर दौरे डाल रहे थे। दिल्ली में अमित शाह और जेपी नड्डा से राज की मुलाकात के बाद बीजेपी के साथ गठबंधन तय माना जा रहा है। हालांकि अब तक इसकी आधिकारिक घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन राज की हिंदुत्व पर कट्टर भूमिका और उनकी लोकप्रियता बीजेपी को लुभाती रही है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है और चुनाव के समय बीजेपी का ज्यादा झुकाव राज ठाकरे की तरफ ही क्यों है, उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। दरअसल राज ठाकरे के पास महाराष्ट्र के लोगों के वोट हैं। राज के पास कितने वोट हैं, इसका सबसे ताजा रिकॉर्ड 2019 के विधानसभा चुनाव के आंकड़े बताते हैं। 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में राज की पार्टी मनसे ने 101 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। इस चुनाव में मनसे का सिर्फ एक उम्मीदवार ही जीता था, जबकि मनसे के 86 उम्मीदवारों की जमानत नहीं बच पाई थी। आंकड़े बताते हैं कि 2019 में राज की पार्टी मनसे से चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों के कुल वोट का टोटल 12,42,135 था, जो कुल मतदान का सिर्फ 2.25% ही था। अब माना जा रहा है कि बीजेपी अपने लिए महाराष्ट्र में प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुके लोकसभा चुनाव में इन 2.25% वोट के लिए राज को साथ ला रही है, यानी सिर्फ 2.25% वोट के लिए। फिलहाल खास बात यह है कि राज को शिवसेना से अलग होकर अपनी राजनीतिक पार्टी महाराष्ट्र नव निर्माण सेना यानी मनसे स्थापित किए हुए तकरीबन 18 साल हो चुके हैं। इन 18 साल में राज की पार्टी ने नगर सेवक से लेकर सांसद तक हर चुनाव बिना किसी गठबंधन के लड़ा है, यानी अपने दम पर। लेकिन मनसे को अपेक्षित राजनीतिक सफलता नहीं मिली। ऐसे में वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों का फायदा उठाकर पार्टी को सफलता दिलाने का भारी दबाव भी राज ठाकरे पर है। लेकिन अब सवाल उठता है कि राज ठाकरे बीजेपी के लिए फायदेमंद होंगे या फिर बीजेपी राज ठाकरे के लिए? इस सवाल का भी जवाब हम आपको दे देते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि राज के बीजेपी के साथ आने के कई प्रभाव हो सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि सबसे पहले तो सवाल ये उठता है कि शाह से मुलाकात के बाद राज खुलकर बीजेपी के साथ आएंगे या फिर अलग चुनाव लड़कर बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम करेंगे, क्योंकि कुछ जानकारों का मानना है कि राज के बीजेपी के साथ आने से उद्धव के प्रति मराठी वोटरों में सहानुभूति और बढ़ सकती है। ऐसे वोटर जो राज को पसंद करते हैं लेकिन बीजेपी के विरोध में उद्धव की शिवसेना के पक्ष में लामबंद हो सकते हैं। वहीं सबसे प्रतिकूल प्रभाव मुंबई में और महाराष्ट्र में पुणे, नासिक, नागपुर जैसे महानगरों में रह रहे बीजेपी समर्थक उत्तर भारतीय मतदाताओं पर पड़ेगा। राज के दिल्ली में शाह से मुलाकात की तस्वीरें आम होते ही कांग्रेस ने भी राज और उनके समर्थकों द्वारा उत्तर भारत से रेलवे की परीक्षा देने मुंबई आए परीक्षार्थियों के साथ भाषा और प्रांत के नाम पर की गई मारपीट का मुद्दा उठाना शुरू कर दिया है। साथ ही सबसे बड़ा असर बीजेपी शिंदे वाली शिवसेना अजीत पवार वाली एनसीपी गुट के बीच सीटों के बंटवारे पर भी होगा, क्योंकि बीजेपी महाराष्ट्र में अपने कोटे की 20 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर चुकी है, लेकिन शिंदे और पवार गुट के साथ सीटों के बंटवारे पर अब तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। ऐसे में राज की एंट्री के बाद सीटों के बंटवारे पर मामला और उलझ सकता है और महायुति के बीच टकराव भी बढ़ सकता है। अब इस सवाल का भी जवाब आपको देते हैं कि राज ठाकरे के करीब आने के पीछे बीजेपी की आखिर असल मंशा क्या है। दरअसल बीजेपी की मंशा राज ठाकरे को साथ लेकर उद्धव ठाकरे को और कमजोर करने के लिए मराठी वोटों में सेंध लगाने की है।
बीजेपी के इंटरनल सर्वे बार बार इस बात को बता रहे हैं कि एकनाथ शिंदे की बगावत के बावजूद मराठी मतदाताओं की सहानुभूति उद्धव के साथ बढ़ी है। मराठा आंदोलन की वजह से मराठा वोटरों में बीजेपी के प्रति गुस्सा है। ऐसे में बीजेपी राज ठाकरे के पास मौजूद एक मुश्त वोटों का लाभ लेना चाहती है और इन लोकसभा चुनावों में बीजेपी महाराष्ट्र में अपनी शक्ति को दोगुना करना चाहती है। खैर, ऐसा होगा या नहीं ये तो आगे आने वाला वक्त ही बता पाएगा और इसकी पूरी खबर श्रेष्ठ भारत आपको जरूर बताएगा। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।